स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है ICAR की तरफ से, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। गाइस, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर वर्क करता है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये इसका डिपार्टमेंट है। गाइस, यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, अप्लाई ज़रूर करना अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो। साथ में गाइस, ये यहाँ जो वैकेंसी आ रही है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए, देखिए अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन पार्ट ये है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर हैं और यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी पैकेज रहने वाली काफ़ी तगड़ा है, सैलरी पैकेज आपका 35,000 यहाँ सैलरी रहेगा। गाइस, आपकी फ्रेशर्स की सैलरी इतनी है तो सोचिए आगे कितनी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। और PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अप्लाई लिंक भी वहीं पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। गाइस, मैं चलिए आपको पूरा नोटिफिकेशन बता देती हूँ। नोटिफिकेशन आ चुका है। देखते हैं गाइस, यहाँ मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड न्यू दिल्ली की तरफ से ये आ रहा है। यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है, आपकी पोस्ट की बात करें, देखिए यूथ प्रोफेशनल, साथ में आप लोग के फील्ड असिस्टेंट की रहने वाली है। गाइस, इसकी जो लेटेस्ट डेट है, देखिए अभी रिसेंटली में निकाला गया है ये नोटिफिकेशन, 27 जुलाई को पोस्ट आउट किया गया है। अप्लाई ज़रूर कर दें। और साथ में यहाँ जो इसका एड्रेस वगैरह दिया गया है, ये सभी चीज़ें आप लोग खुद देख सकते हैं। बात करें यहाँ पोजिशन की, सबसे पहले देखिए पोजिशन दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी सैलरी, क्वालिफिकेशन एंड एज। जो आपका यहाँ पर पोजिशन रहने वाला यंग प्रोफेशनल, मतलब YT का रहने वाला, दो पोस्ट हैं, 25,000 सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। यहाँ आपका क्वालिफिकेशन है BSc एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, BSc क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा किया है एग्रीकल्चर से, साइंस, एग्रीकल्चर साइंस से, इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास यहाँ इससे रिलेवेंट नॉलेज है, जैसे सॉयल, वाटर, प्लांट, इस यहाँ पर आप लोगों की जैसे कंप्यूटर वगैरह या फिर यहाँ फिजियोकेमिकल वगैरह से कोई भी रिलेवेंट नॉलेज है तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे प्रॉफिट ये होगा। डिज़ायरेबल में मांगा है, आपकी यहाँ पर जॉब पक्की रहेगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट के पास नॉलेज होती है, स्किल होती है, उनको जल्दी हायर किया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ दी गई है, मिनिमम है यहाँ 21, मैक्सिमम है 45। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और साथ में वुमेन कैंडिडेट को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये अलग थोड़ा मतलब दिया जाएगा वुमेन्स को। सेकंड यहाँ वैकेंसी आ रही है यंग प्रोफेशनल की। यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है, 35,000 आपका सैलरी रहेगा। बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से किया है, एमटेक किया है, आपका जो स्पेशलाइजेशन मतलब ब्रांच जो दिया गया है, ब्रांच देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये आप लोगों की ब्रांच दी गई है, MSc कर रखा है वाटर साइंस वगैरह से, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिज़ायरेबल में, अगर नहीं है, फ्रेशर है, अप्लाई कर सकते हैं, ये एक डिज़ायरेबल में है। अगर होता है स्टूडेंट के पास तो ज़रूर लगा, नहीं है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये आप लोगों को बताया गया है। और एज वगैरह की बात करें, एज सीमित दी गई है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम यहाँ पर 45 दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। थर्ड वैकेंसी भी सेम है आप लोगों की, 35,000 सैलरी रहेगी। एमटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पर सॉइल, वाटर, कंजर्वेशन ये दिया गया है आपका, और MSc है, MSc भी वाटर साइंस या सिविल इनसे रिलेवेंट किया है। नॉलेज अगर आपको दिया गया है, जैसे जावा, पाइथन, कंप्यूटर से रिलेवेंट जितनी भी मतलब लैंग्वेज वगैरह होती हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, इनसे रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो फोर्थ दी गई है, फोर्थ भी आप लोगों की यूथ प्रोफेशनल की तरफ से दी गई है। एक वैकेंसी है, 35,000 सैलरी है, और एमटेक और जो आप लोगों ने एमएससी किया है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। 5 नंबर वैकेंसी भी दी गई है, इसमें देखिए एक वैकेंसी दी गई है, 35,000 आपको
सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एमटेक वाले स्टूडेंट और एमएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल में आप लोगों से जो एक्सपीरियंस मांगा, अगर है तो आप लोग अप्लाई कर दें, डाल दें, अगर नहीं है, फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर दें। अब बात करें गाइस फील्ड असिस्टेंट की, जो हमारी मेन जॉब है उसके लिए बात कर लेते हैं। एक तरीके से जूनियर इंजीनियर की जॉब होती है। फील्ड असिस्टेंट में एक पोस्ट निकाली गई है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी तो एक है गाइस। 15,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और आप लोग अगर 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है डिजायरेबल में मांगा है, अगर आप लोगों से कोई कन्फर्मली नहीं किया गया है, जैसे डाटा एनालिसिस कंप्यूटर वगैरह या लेबोरेटरी वगैरह का जो भी आप लोगों को वर्क आता है, इससे रिलेवेंट नॉलेज है तो आप लोग ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 35 आप लोग का मैक्सिमम एज दिया गया है, मिनिमम एज आप लोगों की कितनी भी हो चल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए किस तरीके से करना है सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में, और आप लोगों को जो मेन मेन पॉइंट है सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। तो गाइस देखिए, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ये जो पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को पूरा अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, ये पूरा फॉर्म है, आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करना है और इसे अच्छे से फिलअप कीजिए, इसका प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने के बाद इसमें जैसे अपना यहाँ पर फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एज, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी, अपना जो डिग्री है वो यहाँ पर डालना, पासिंग ईयर और आप लोग का परसेंटेज, साथ में ये सारी चीज़ें आप लोग डाल के इसका जो है फोटो खींच लेना, ठीक है। जब और यहाँ पर 10th की जो है अपना मार्कशीट की फ़ोटो का यहाँ पर अपना मार्क्स वगैरह डालना, यहाँ सारी चीज़ें 10th के डालेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनका साथ में पीडीएफ बनाना, अपना ये सभी पीडीएफ अपलोड करना। अब अपलोड किस तरीके से करना मैं चलिए बता देती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस, आप लोग जल्दी से अप्लाई कर देना, ये जो है बहुत जल्दी फॉर्म एक्सपायर हो जाता है। बाकी देखिए फिर आप लोगों को ईमेल आईडी से अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दें। ये फॉर्म देख सकते हैं, और गाइस मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले ही नंबर पर यहाँ पर दिया जाएगा किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होंगे वो 10th के बेस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th कर रखा है, या फिर आप लोग अगर सीनियर वगैरह के लिए या फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां से चूज़ कीजिए। मान लीजिए हम लोग इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फील्ड वर्क के लिए, या फिर इसके लिए नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद काफ़ी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे देखिए ये बेसिकली सभी स्टूडेंट जानते हैं कि गूगल फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना, और यहाँ परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर और नेक्स्ट कर देना। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट करके आप लोगों का क्वालिफिकेशन वगैरह का ओपन हो जाएगा, और आपको आपके डॉक्यूमेंट यहाँ जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के बाद साथ में मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ईमेल आईडी बताई थी, उस पर भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, दोनों जगह सेंड कर देना, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये है आप लोग का अप्लाई का तरीका, और आपको अप्लाई लिंक टेलीग्राम पर एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई जल्दी से जल्दी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।